एसबी कठुआ दिखने वाले सारे दर्शकों की वीडियो जर्नलिस्ट सुदर्शन भार्गव तो तुम लोग अपने दोस्त सुतीन शर्मा तरफों सारे के हाथ जोड़े एक बार परतिए राम राम। रैंडम सैंपलिंग हुआ करती तो केस जड़े ना वो भी पता करते कठुआ शहर के बिचों बिच अस्तु सही ग्लैड से कल भी तुम देखिए रैंडम सैंपलिंग हुई तो 8 केस आए डीसी कठुआ के जोड़ा ऑफिस है वेद हूँ अज जी PTS कठुआ जी है ना वो सैंपलिंग हुई तो 185 जोड़े पुलिस वाले जिंदी सैंपलिंग की 14 जोड़े है ना वो पॉजिटिव आए वो बाद जी है डीसी कठुआ के जोड़ा ऑफिस है उत्तर तहसीलदार का ऑफिस है उत्थे हुई उद्देश 67 लोग जोड़े ना सैंपल लेते जिस 2 लोग जोड़े ना पॉजिटिव आए हूँ जोड़े है ना पॉजिटिव रेट जो बढ़ा करता तो कन्ने यदि पूरी जी डिटेल है ना सारी वो दी साढ़े CMO कठुआ नीरज नागपाल होने उन्हें यह गलाया कि मास्क जरूर पाओ जियां अस पाए दा सैनिटाइजर अपने हत्थे रखो तो इं बाजार जल्द तुम जाते हो ना तो थोड़ा ना इं एक दूजे को डिस्टेंस लेइए ना चलो इं नहीं एक उपर एक तुम धक्का मुखी करे करते हो उं नहीं करो क्योंकि कोरोना जो मामले बधा करते हूँ तुम भी इस वीडियो दिखो तो सुनो जो उनका मैसेज है। जिला में सर कुल कितने मामले आए हैं अगर टेस्टिंग की बात करें तो कहाँ कहाँ टेस्टिंग की जा रही है और आज कितने मामले थे? जैसे कि हमारी रिपोर्ट होती है हमने जैसे कल हमने टेस्टिंग की उसकी रिपोर्ट हमारे पास आज कंपाइल होती है और आज आती आगे उसमें हमारे पास कल के लिए जो आज हमने रिपोर्ट भेजी आगे उसमें 64 हमने पॉजिटिव भेजे हैं। उसके अलावा जो हम आज टेस्टिंग की सैम्पलिंग ये रिपोर्टिंग अब कल होगी सुबह तो उसमें हमने आज PTS में जैसे सैम्पलिंग की उसमें 185 हमने सैम्पल्स लिए जिसमें से कि 14 पॉजिटिव आए और साथ ही साथ में फ्रंटलाइन वर्कर हैं वो उसमें से हमने 140 को प्रिकॉशनरी डोज लगाई जैसे कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं। और इसी अलावा DC ऑफिस के अंदर स्थित जो तहसील ऑफिस है वहाँ पर हमने 67 सैम्पल्स लिए उसमें से 2 पॉजिटिव आए हैं। कुल कितने एक्टिव मामले हैं अभी हमारे पास? एक्टिव मामले 187 है जिले में। आवाम के लिए क्या हिदायत है? आवाम के लिए हिदायत यही है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर एक ही चीज़ है जो हमें बचा सकती है। एक हमने मास्क पहन के रखना है 24 घंटे, एक हमने अपने हैंड सैनिटाइज करने हैं और डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। लोगों से ये अपील है कि ना वो जहाँ भी इकट्ठ वाली भीड़ भाड़ वाली जगह है वहाँ पर ना जाए और ये वेव को थोड़ा सा रिसीड होने में जब तक टाइम लगेगा तब तक वो बहुत ही ज़्यादा अगर उन्हें ज़रूरत हो तो बाहर जाए नहीं तो घर पे ही रहें।